अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज की शॉर्ट सी वीडियो मैं बना रहा हूँ ऐसे बच्चों के बारे में जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं। ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बाइस होता है कि बच्चे जो है वो बड़ी उम्र में भी बिस्तर गीला कर देते हैं। यूजली बच्चे 2 साल की उम्र तक जो है वो ट्रेन हो जाते हैं, टॉयलेट ट्रेन हो जाते हैं, दे स्टार्ट टेलिंग द पेरेंट्स, दे वो वालदैन को बताना शुरू कर देते हैं कि आई नीड टू गो टू वॉशरूम, मुझे जो है वो पीशी आया है या पोटी आई है। लेकिन अगर बच्चा जो रूटीन एज है जैसे 2.5 साल है, 3 साल है, उस तक जो है वो बच्चा नहीं बताता और बार बार जो है वो डे टाइम वेटिंग भी होती है और नाइट टाइम वेटिंग भी होती है, तो इसको हम एन्यूरेसिस का नाम कह देते हैं। डे टाइम वेटिंग एन्यूरेसिस या नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस यानी नाइट टाइम वेटिंग। बहुत सारे बच्चों में डे टाइम वेटिंग भी होती है, नाइट टाइम वेटिंग भी होती है, और कुछ बच्चों में जो है वो सिर्फ नाइट टाइम वेटिंग होती है या नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस जिसे कहते हैं। 4 साल की उम्र तक इसका होना जो है वो एक तरह से फिजियोलॉजिकल अमल है। सारे बच्चे जो है वो 2 साल या 2.5 साल की उम्र पर या 3 साल की उम्र पर जो है वो टॉयलेट ट्रेन नहीं हो जाते। तो जो बच्चे जो है वो 4 साल तक जब कर रहे होते हैं तो हम पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि कोई उसके लिए क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं, और 4 साल के बियॉन्ड भी सबसे ज़रूरी जो इसकी थेरेपी है वो साइकोथेरेपी या एक तरह से उसकी बिहेवियर चेंजेस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो ही की जाती है, जिस ताकि बच्चे को जो है वो मेडिसिन पे ना डाला जाए, और एज अ लास्ट रिजॉर्ट फिर मेडिसिन भी जो है वो हमें देनी पड़ती है। सबसे पहले ये होता है जो इसकी रेमेडियल एक्शंस हैं जो आप कर सकते हैं घर पे, वो मैं आपको तरीके से एक तरतीब से बताता हूँ कि सबसे पहले आप कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि होता क्यों है। एक हमारे जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसकी एबनॉर्मल सेक्रीशन या एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ ब्लैडर टू इट, हमारा जो मसाना है वो ज़्यादा यूरिन जो है वो नहीं रिटेन करता, पेशाब जो है ओवरनाइट बहुत ज़्यादा बन जाता है, पेशाब को बनने की जो रोकने के वाला जो मादा होता है वो कम होता है जिस्म में, और जब मसाना जैसे डिस्टेंड होता है तो बच्चा जो है वो गहरी नींद में होता है, उसे नहीं पता चलता और यूरिन पास हो जाता है। इसी तरह से दिन के वक्त अगर जो है पेशाब ज़्यादा बन रहा है तो बच्चे को जो है वो जो कंट्रोल है उसका बाउल इवैक्यूएशन, ब्लैडर इवैक्यूएशन का वो इतना अच्छा नहीं होता, तो बच्चा जो है वो ब्लैडर जो है वो इवैक्यूएट एम्प्टी कर देता है। तो उसमें सबसे पहले पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपने उसकी डायरी बनानी है, डायरी मेंटेन करनी है बच्चे की, कि कितने दिन में कितनी दफ़ा किया, रात में कितनी दफ़ा बैठ बैठ किया, और आपने उसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला जो है वो कॉन्सेप्ट उसमें लेके आना है, यानी उसके जो गुड एक्शंस हैं उनको आपने अप्रिशिएट करना है, उसको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देनी है, और जो उसके जब जो है वो बेड बैटिंग करे या जब डे टाइम एन्यूरेसिस हो तो फिर आपने उसको नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट करनी है। नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट से मुराद ये नहीं है कि उसको पनिश करना है या उसकी चीज़ें उसको जो है वो स्कोल्ड करना है या उसकी कोई चीज़ जो है वो उसको यानी फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं करना, बेसिकली उसके कुछ इंसेंटिव आपने रखने हैं जो कि आपने उसके रोक लेने हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम उसकी रोक लेनी है, उसकी कैंडी रोक लेनी है, उसकी कोल्ड ड्रिंक रोक लेनी है उस दिन के लिए, फॉर दैट डे ओनली। और जिस वक्त बेबी जो है वो यूरिन कंट्रोल अच्छा सा जिस दिन शो करे तो आपने उसको जो है कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट देना है, कुछ स्मॉल टॉय कार, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कैंडी और न्यू टाइप ऑफ आइसक्रीम, उसको इस तरह की चीज़ आपने अर्ली मॉर्निंग में देनी है। डायरी मेंटेन करनी है आपने कि कितनी नाइट्स जो हैं वो वेट हुई, कितनी नाइट्स ड्राई रहीं, जो वेट नाइट्स हैं उसमें आपने आपने जो है उसको सो पॉकेट मनी जो है नहीं देनी या कोई स्पेशल चीज़ नहीं देनी, लेकिन जिस दिन वो ड्राई रहता है उस दिन उसको स्टार देने हैं उसकी डायरी पे, कि आप जो है जैसे टीचर्स जो है वो होमवर्क के लिए स्टार देते हैं, तो इसी तरह से डायरी मेंटेन करके आपने उसको स्टार देना है और बताना है और अप्रिशिएट करना है कि शाबाश बेटा आज आप ड्राई रहे, और ये चीज़ उसके सबकॉन्शियस में सेटल हो जाएगी बच्चे की, और बच्चा जो है वो नेक्स्ट टाइम उसका सबकॉन्शियस विल ट्राई टू रिमेन ड्राई। ये उसके फिजिकली कंट्रोल में नहीं है बच्चे के बाद के वो दिन में जो है वो एन्यूरेसिस हो रहा है, दिन में जो है वो वेटिंग हो रही है उसकी या नाइट टाइम वेटिंग हो रही है, तो ये उसके कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में नहीं है, उसके सबकॉन्शियस को आपने ट्रेन करना है। सेकेंडली और इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक देखना है आपने कि बच्चे को कहीं कॉन्स्टिपेशन की इलामत तो नहीं है, अगर कॉन्स्टिपेशन की इलामत है और स्टूल उसके बड़े पेशाब की आंत में जो है वो फंसा रहता है, यानी बड़ा पेशाब जो है वो आंत में फंसा रहता है, उसकी वजह से भी बच्चे को जो है वो
प्रॉब्लम हो सकता है एन्यूरेसिस का, और वाइस वर्सा ये उल्टा भी होता है, जब एन्यूरेसिस का मसला हो या ब्लैडर जो है उसका एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा हो तो फिर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की अलामत भी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि ब्लैडर और बाउल दोनों एक दूसरे के साथ तकरीबन जुड़े होते हैं, तो ये दोनों अलामत जो है इंटरचेंजेबल हैं, दोनों अलामत जो है वो अल्टरनेटिवली आ सकती हैं। ये होगी दूसरी राय। नंबर तीन, आपने क्या करना है कि बच्चे को रात को सुलाने से पहले आपने वॉशरूम लेके जाना है, और क्योंकि पेरेंट बच्चे थोड़ा सा जल्दी सो जाते हैं और पेरेंट्स थोड़ा सा देर से सोते हैं, तो आपने जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, जब वालदैन मिड नाइट पे या रात के 1 बजे सोने लगे तो बच्चे को जगाएं एंड वॉक द चाइल्ड टू बाथरूम। उसको उठा के ना लेके जाएं, उठा के अगर लेके जाएंगे अगर उसको होश नहीं आएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको वॉक करवा के लेके जाएं, उसको जगाएं, उसको वॉक करवा के लेके जाएं वॉशरूम में, और वॉशरूम में उसको जो है एक दफ़ा यूरिन पास करें और तो फिर दोबारा ला के उसको सुला दें। पास पेरेंट्स को ये काम दो दफ़ा करना पड़ेगा, आपको अलार्म सेट करना पड़ेगा रात के वक्त, एक दफ़ा जो है वो आप अपने सोने से पहले करें, एक दफ़ा बच्चे के सोने से पहले, एक दफ़ा अपने सोने से पहले, और तीसरी दफ़ा रात को 2 बजे 3 बजे उसको एक दफ़ा जगा के बच्चे को जो है वो यूरिन पास करवाएं टॉयलेट में और फिर उसको वापस लाएं। जब बच्चे को ये तंगी होगी रात की, नाइट उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी और उसे वॉक करके जाना पड़ेगा और जाके यूरिन पास करना पड़ेगा, तो उसका सबकॉन्शियस, उसका जहन जो है इस चीज़ को परसीव करेगा और उसके जो स्फिंक्टर्स हैं, जो उसका कंट्रोल है ब्लैडर का, वो बेहतर हो जाएगा और भी बेहतर हो जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ और टोटके हैं एक तरह से, जिनकी कुछ एविडेंस बेस्ड है फैक्ट्स हैं, कुछ नॉन एविडेंस बेस्ड है जो कि घरेलू टोटके हैं और मुफीद साबित होते हैं। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि शाम मगरिब के बाद बच्चे को आपने कलर ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स, आपने जो है वो मीठे ड्रिंक्स, नमकीन ड्रिंक्स, किसी तरह की चीज़ आपने नहीं देनी। उस बच्चे को कम पानी देना है, बहुत थोड़ी मिकदार में पानी देना है, और जो पानी देना है वो सादा पानी देना है, और रात के खाना जो है उसके अंदर मिर्च मसाले और नमक का इस्तेमाल, खसूसन नमक का, चाहे वो काला नमक हो या वो टेबल सॉल्ट हो, इनका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि मिर्च मसाले जो भी होते हैं दूसरे, जैसे करी पाउडर है, इन चीज़ों में बहुत सारे जो है वो सॉल्ट होते हैं, तो आपने मसालों का इस्तेमाल रात के खाने में बहुत कम करना है, और बच्चे को मगरिब के बाद सिर्फ ज़रूरत का, ज़रूरत के जितना पानी देना है, एक्सेसिव पानी नहीं देना, और स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स जिनके अंदर जूसेस, कैंडीज, टॉफ़ीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये चीज़ें जो ज़्यादा मीठी हैं, ज़्यादा जूसी हैं, जो जो है वो जिस्म में शुगर की मकदार ज़्यादा करती हैं, और उसकी वजह से फिर यूरिन ज़्यादा पैदा होता है और बच्चा रात को जो है यूरिन पास कर देता है। इन सारी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। चाय और कॉफ़ी भी इसमें शामिल है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी दोनों जो हैं ये भी हमारा ये पेशाब आवर मेडिसिन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होती हैं। चाय और कॉफ़ी जो है हमारे जिस्म से पानी का जो है वो इखराज करती हैं किडनी के थ्रू, तो इनका इस्तेमाल भी जो है वो शाम के वक्त के बाद नहीं करना, यानी मगरिब का टाइम आप रखें, सनसेट का टाइम रखें। सनसेट के बाद आपने किसी किस्म की ड्रिंक्स बच्चे को नहीं देनी, चाहे वो कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चाहे वो जूसेस हैं, चाहे वो कम्प्लान है, चाहे वो दूध है, आपने बहुत कम मकदार में देनी है, सिर्फ इतनी देनी है जितनी बच्चे की ज़रूरत है। और अगर डे टाइम वेटिंग भी कर रहा है बच्चा, डे टाइम वेटिंग भी हो रही है, तो फिर उसको जो फिजी ड्रिंक्स हैं, जो कलर ड्रिंक्स हैं, जो कॉफ़ी है उसकी, अगर कम्प्लान है, चॉकलेट्स है, वो भी सारी उसकी डाइट से एक्सक्लूड कर दें, बच्चे की डाइट से बिल्कुल ऐसी चीज़ें एक्सक्लूड कर दें। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें रात के खाने में नहीं होनी चाहिए। नमक सिर्फ माकूल मकदार में होना चाहिए रात के खाने में, ज़्यादा मसाले नहीं होना चाहिए। रात के वक्त स्वीट का इस्तेमाल जो है वो ममनू है। सोने से पहले बच्चे को पेशाब नहीं सोने से पहले उसे पानी नहीं पिलाना, और पेशाब ज़रूर कराना है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये मैंने डायरी का आपको बता दिया कि डायरी आपने किस तरह से मेनटेन करनी है, और उसमें पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट जो है वो आपने रखनी है, यानी जिस दिन बच्चा जो है वो ड्राई रहे उस दिन उसको स्टार दें, मॉर्निंग में कोई टॉय लेके दें छोटा सा, कोई अप्रिशिएट करें, और जिस दिन वो जो है अगर वेट हो जाए तो उसको स्कोल्ड नहीं करें, उसे जो है वो डिप्रेशन का पेशेंट मत बनाएं, उसे उसका जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करवाएं, लेकिन उसको अपने एक्शन से थोड़ा सा एहसास दिलवाएं कि टुडे आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा बिट, वो जो थोड़ा सा एडवांटेज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ मैं रूटीन में अगर आप ड्राई रहते हैं तो देनी थी, तो वो आज मैं नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो ये तरीकाकार है इसको मैनेज करने का। अगर आपको इसमें कोई मजीद क्वेरी हो, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ मुझे
कमेंट करके बताइए, मेरे इस पेज को जो है वो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम।